सबसे पहले आज सीजीपीएसी मेंस में पेपर नंबर 4 पार्ट 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आते हैं। इस सिलेबस में यदि हमको कवर करना है तीनों सेगमेंट को, पीसीबी को कवर करना है, तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। प्रकाशिकी क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि प्रकाश से संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, तरंग प्रकाशिकी और कण प्रकाशिकी, यानी किरण प्रकाशिकी भी हम उसे कह सकते हैं, है ना। ऑप्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील दी ऑल टाइप ऑफ इंसिडेंट, वी स्टडी दी ऑल टाइप ऑफ इंसिडेंट रिलेटेड टू लाइट। देर आर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, वन इज द रे ऑप्टिक्स, सेकेंड इज द वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमको रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन पढ़ना होता है, वेव ऑप्टिक्स में हमको पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन जैसे बहुत सारी घटनाओं का, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर यदि जाएं, ये है आपका सिलेबस जिसमें कि मैं पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट, जिसमें कि हमको सिलेबस को हूबहू कॉपी पेस्ट करते हुए यहां पर पढ़नी है। द फर्स्ट पॉइंट ए इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट, जिसमें कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को हमको पढ़ना है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हैं बाद वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, द सिलेबस में है वो ये है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस प्रकार द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हम कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति या दोहरी प्रवृत्ति कह सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसको हमको सबसे पहले समझना होगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है समय के अनुसार स्टडी करते चले गए, उन्होंने स्टडी में यह पाया कि जो सनलाइट है, सन यहां पर है, हमारी अर्थ यहां पर है, और सन और अर्थ के बीच में यदि हम डिस्टेंस देखेंगे तो कई लाख पार्सेक डिस्टेंस हो सकता है। पार्सेक समझते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट का यूनिट है। लाइट ईयर, पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तीन महत्वपूर्ण क्या होते हैं, आपके यूनिट होते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। दो इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस हो, दो ग्रहों के बीच की दूरी हो, या फिर आप बात करें पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी हो, दो तारों के बीच की दूरी हो, तो आपको ये बात समझनी होगी कि तीन यूनिट रेडी किए जाते हैं, तीन यूनिट के आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक, उसके बाद होता है आपका लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, और तीसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोली मात्रक। इन सब पॉइंट को आप ऐड भी कर सकते हैं अपने आंसर में। देखो पार्सेक इज द बिगेस्ट यूनिट, सेकेंड बिगेस्ट कौन सा है, लाइट ईयर, थर्ड वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस का है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं आप लोग, है ना, जिन्होंने क्या बताया था, चंद्रशेखर लिमिट बताया था, चंद्रशेखर कॉन्स्टेंट बताया था, चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी पर रहते रहते आप किसी भी प्लैनेट का उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई का नाम है CSL, चंद्रशेखर लिमिट, CSL। वन CSL इक्वल टू कितना होता है पता है, मास ऑफ द सन इंटू 1.4, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है एक चंद्रशेखर सीमा, जिससे क्या है, वो क्या है, सबसे बड़ा यूनिट है। तो क्या कंक्लूडिंग पॉइंट है, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज पार्सेक एंड बिगेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास इज CSL, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई का नाम है चंद्रशेखर सीमा, और आपकी दूरी का सबसे बड़ा यूनिट का नाम है पार्सेक, ठीक है।
अब ये सब मैं बताया हूं प्रीलिम्स में, जिसको नहीं देखे होंगे देख लेना। अब यहां पर बात आती है, सूर्य यहां पर है, पृथ्वी यहां पर है, उसके सनलाइट को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट एंड 16.6 सेकंड लगता है, ठीक है। लेकिन सोचिए सन और अर्थ के बीच में, तो बीच में क्या है? वैक्यूम भी है, निर्वात भी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है उस बीच में, जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम। फिर भी क्या है? सनलाइट ट्रेवल करके आ जाती है। दैट मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सन रे। किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती सूर्य की किरणों को एक जगह से दूसरी जगह आने में। तो ऐसे रे को क्या कहा जाता है, ऐसे वेव को क्या कहा जाता है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में सम टाइम जो आपकी लाइट है दैट वर्क्स लाइक अ वेव, कभी कभार यह तरंग की भांति काम करता है, कभी कभार यह पार्टिकल्स यानी कि कण की भांति काम करता है, पार्टिकल यानी कण की भांति काम करता है, जिसमें वेव से रिलेटेड सभी इंसिडेंट का स्टडी करते हैं उसे वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहा जाता है। और कई बार क्या है, इसके पार्टिकल नेचर पे आधारित, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, आपके रेनबो डिफ्रैक्शन है ना, आपके कहना चाहिए वर्ण विक्षेपण, ये सब जो चीजें हैं अपवर्तन परावर्तन वर्ण विक्षेपण आदि जितनी भी घटनाओं का है उनके पार्टिकल नेचर पर है। सो एक डिलीमा आ गया साइंटिस्ट के बीच में। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वेव है, कुछ लोग कह रहे थे ये क्या है, पार्टिकल है। तो ये कंक्लूजन निकला, अगर हम उसे वेव मानेंगे, अगर इसे वेव मानेंगे किसे, सनलाइट को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट का हम एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, जैसे पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, डिफ्रैक्शन यानी आपका देखते हैं कि विवर्तन, ठीक है। और वैसे ही हम यदि कण मानते हैं तो उसमें परावर्तन अपवर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन कर लिया जाता है, वो कंसेप्ट हमारे प्रूफ हो जाते हैं। तब ये कंक्लूड किया गया कि जैसे मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कह दिया, जिसको ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम नहीं लगेगा। तो इधर कुछ लोग कहेंगे न्यूटन्स वगैरह कह दिए, कार्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन का कणिका सिद्धांत में कह दिया नहीं नहीं भाई ये पार्टिकल है, ये भी प्रूफ हो रहा, ये भी प्रूफ हुआ। फिर कंक्लूडिंग पॉइंट क्या आया, देयर इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कण की जो है आपके जो है प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, जिसमें कुछ घटनाओं का अध्ययन तरंग प्रकाशिकी के आधार पर किया जाता है और कुछ का अध्ययन जो है आपकी किरण प्रकाशिकी या कण के माध्यम से किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बताए, आपके सिलेबस में वेव ऑप्टिक्स है ही नहीं, तरंग प्रकाशिकी है ही नहीं, है तो क्या है, किरण प्रकाश, ठीक है। तो अब सीधा आते हैं उस पॉइंट पर, तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन है पता है, इसको सपोर्ट करने वाले हमारे पास देखते हैं न्यूटन साहब हैं, इसको सपोर्ट करने वाले मैक्सवेल हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है द्वैती प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति को समझाइए, ऐसा करके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। तो आप सीधा इसी पॉइंट को 30 शब्द में कितना ही लिख लेंगे भाई, 30 शब्द में थोड़ा सा जो मैंने डिस्कशन किया इसको लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर का कॉम्पोजिशन लिखेंगे। तो आप कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या कहलाता है, इसकी संरचना इसको देखेंगे तो क्या आता है, तो एक ट्रिक एक निमोनिक्स बताया था प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन के समय, ठीक है। मैंने कहा था सनलाइट को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, तो क्या क्या चीजें मौजूद है इसको स्टडी करने के लिए हमने एक निमोनिक्स यूज किया था। वो निमोनिक्स ये था, दैट इज गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। बताया था जब ऑफिसर बनेंगे एक्सयूवी गाड़ी आपके रेंज में होगी क्योंकि आपकी सैलरी ज्यादा होगी, है ना, और आप ये खरीद सकते हैं आपके लिए हो फैमिली के लिए वॉट एवर। अब यहां पर हम कहते हैं लाइट का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो लाइट का जी से क्या आता है, गामा रेस, एक्स से क्या है, एक्सरे, एक्स से एक्स किरण, यू से क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस,
पराबैंगनी किरणें, ठीक है, वी से आता है विजिबल रेस, वी से आता है विजिबल रेस यानी दृश्य प्रकाश, ई से, आई से आता है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, और उसके बाद हम बात करते हैं एम से क्या आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, और लास्ट वन दैट इज रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंग, ठीक है। तो सनलाइट का कॉम्पोजिशन देखो, इतने प्रकार की चीजों से मिलके बना है जिसमें हमारे सभी चीजें आ गई। जैसे आप सुबह सुबह धूप में निकलते हैं तो जनरली आप तीन चीजों से आपका सामना होता है, तीन चीजों से सामना होता है। कुछ समय धूप पे रहने पर आपको गर्मी महसूस हुई, इंफ्रारेड। सुबह होते ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं, आप नेचर को देख पाते हैं। रात के समय डार्क अंधेरा होता है तो रात के समय ये वेव नहीं होती, इसलिए विजिबल रेस नहीं होने के कारण हमको अंधेरा महसूस होता है। लेकिन डे सुबह सूर्य के उगने के बाद बिफोर सनसेट तक हम चीजों को बिना लाइट के, बिना फिजिकल, बिना आर्टिफिशियल लाइट के देख पा रहे हैं, अभी भी देख पा रहे हैं एक दूसरे को, तो दैट इज बिकॉज ऑफ विजिबल रेस। और यहां पर बात आती है अल्ट्रा वायलेट रेस, तो मैंने आप लोगों को बताया था अल्ट्रा वायलेट रेस तीन प्रकार की होती, ए बी एंड सी, जिसमें कि हम देखते हैं 95 से 98% क्या होते हैं, गेट फिल्टर्ड बाय ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर से फिल्टर हो जाता है। तो हम बात करते हैं 2% से लेकर 5% तक फिर भी अल्ट्रा वायलेट पेनिट्रेट करके आ जाती है। इसलिए भरी दोपहरी में गर्मी के दिनों में जब आप निकलेंगे सन बर्न हो जाती है, और सन बर्न लंबे समय तक होगा तो स्किन को और ज्यादा जला देगी वो। दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट बी एंड सी, क्योंकि सबसे खतरनाक बी एंड सी होते हैं। लेकिन अब आगे थोड़ा बात करें, यू कैनॉट डिनाई अबाउट दिस रेडियो वेव्स। अभी 5G यूज कर रहे हैं तो आपको थैंक यू कहना चाहिए इस रेडियो वेव को। रेडियो वेव के कारण HD ट्रांसमिशन हो रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी, सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर है, बताओ क्या क्या, TSM T और E, क्या क्या है बताया, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अगर हम इस रेडियो वेव की कहानी थोड़ा समझें तो रेडियो वेव टू टाइप के होते हैं। कभी रेडियो ट्यून किए होंगे, उसमें SW और MW लिखा होता है। उसका मतलब यह है, अगर हम जैसे ये पृथ्वी का इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, ये क्या है, आप नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अगर किसी चीज को ऊपर आप फेंकें तो देखो, आपको थोड़ा यहां समझना होगा, अगर हम समझें कि इक्वेटर से 18 किलोमीटर और पोल से क्या है 8 किलोमीटर, ओवरऑल मिला दिया जाए तो 12 किलोमीटर एवरेज दोनों का, 12 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही जाएंगे ना, बिटवीन थर्मोस्फियर एंड मीजोस्फियर, तापमंडल और मध्यमंडल के बीच में देर इज अ स्फियर दैट इज आइनोस्फियर, उसे कहा जाता है आयन मंडल, जो उपमंडल है सब स्फीयर है। तो किसी भी चीज को थोड़ा समझना, एक बॉल पकड़े दीवार पे जोर से मारेंगे, दीवार से टकराएगी आप तक लौट के आई, दैट वॉल इज वर्क्स लाइक अ रिफ्लेक्टरी सरफेस, वो परावर्तक सतह की टाइप काम किया। तो वैसे ही किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्या करें, ऊपर भेज देंगे ना, तो यहां पर जाएगा और यहां पर धरती पर लौट आएगा विदाउट सैटेलाइट। ये नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है। तो ये आइनोस्फियर इज वर्क्स लाइक अ रिफ्लेक्टरी सरफेस, एक परावर्तक सतह की तरह काम करता है, ऊपर गया और धरती पर वापस फिर लौट आएगा। क्योंकि रेडियो क्या होती है, वॉइस होती है, और वॉइस का डेटा का साइज छोटा होता है, नहीं समझे, अगर किसी को एक फोटो भेजते हैं तो हो सकता है वो 1 KB का हो, या हेलो करके किसी को ABCD मैसेज करते हैं, कुछ भी केबी में हो सकता है, किलोबाइट में हो सकता है।
अगर किलोबाइट का बड़ा होगा तो क्या है, मेगाबाइट हो गया, ठीक है। तो किसी को इमेजेस या छोटे मोटे सॉन्ग भेजते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी मेगाबाइट में हो सकती है। तो मेगाबाइट तक के डेटा को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज सकता है वॉइस वाले सिचुएशन में। तो रेडियो तो वॉइस यूज करती है, लेकिन इसी के आधार पर हम टीवी नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर मामला विजुअल इफेक्ट का हो जाएगा, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों हो जाएगा। तो डेटा का साइज ज्यादा होगा तो उस केस में हमको यहां पर सैटेलाइट लगाना पड़ेगा, और सैटेलाइट क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, घर की छत में एंटीना है उसे रिसीव करेगा और आप देखोगे। कल का मैच बहुत मजा आया होगा, ठीक है, चेन्नई और किसका, आपका मुंबई का, लाइव देख रहे थे ना, रियल टाइम क्या हुआ वहां पर, मैदान में शूट किया गया होगा उसको डिजिटल फॉर्म में, सिग्नल के रूप में, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल, ठीक है। अरिजीत सिंह एक सॉन्ग भी गाता है या श्रेया घोषाल एक सॉन्ग भी गाती है, उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर वो सीधा ऑन एयर हो जाएगा, और वो सीधा क्या होता है, ट्रांसमिट करके जाएगा, ऊपर सैटेलाइट रिसीव करेगा, वापस धरती पर भेज देगा। तो आप ये बात समझना है कि रेडियो वेव दो प्रकार का होगा, अगर छोटा साइज का होगा तो माइक्रोवेव, बड़ा साइज का होगा तो रेडियो वेव। साइज क्या है, उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर। इसको मैं टेक्नोलॉजी वाले में बताऊंगा, आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉट क्वेश्चन आता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लाइट में इन सब बातों को ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो फिर हमको यहाँ पर वन बाय वन सबके एप्लीकेशन पढ़ना होता, जैसे घर में रिमोट कंट्रोल यूज करते हो, अभी रिमोट है एसी का आप ऑन कर रहे हो, इंफ्रारेड का यूज कर रहे हो, नाइट विजन जो होता है रात्रिकालीन अंधेरे में आपको देखना है तो इंफ्रारेड यूज करते हैं हम। किसी के मोबाइल में बिना फ्लैश चमकाए अंधेरे में खींचोगे अच्छा फोटो आ रहा होगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये जो तरंग वाला मामला है, थोड़ा देखो, लाइट है किससे मिलके बना, वेव से मिलके बना, ठीक है। इधर मैं बता देता हूं, थोड़ा देखो, लाइट हमेशा कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, लेकिन लाइट को मैंने कहा ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है, कह सकते हैं क्योंकि ड्यूअल नेचर होता है। अब इसको मैंने मान लो लाइट कह दिया, तो लाइट जो है बेसिकली किससे मिलके बना है, वेव से मिलके बना है, तरंग से मिलके बना है, कण भी मिल से मिलके बना है। अब ये जो वेव है किससे मिलके बना होगा, स्पेक्ट्रम से मिलके बना है। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम है बैंड। बैंड देखो, आप यहां पर इमेजिन करो, एक रोड है जो वन लेन है, दूसरी रोड जो है जो टू लेन है, तीसरी रोड जो है वो फोर लेन है, चौथी रोड जो है वो सिक्स लेन है। What does it mean? एक लेन वाली रोड में एक बार इधर कोई जा रहा है तो उधर आने पर इसको रोड से उतरना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों क्लैश हो जाएंगे। टू लेन वाले रोड में क्या होता है, एक इधर से कोई जा सकता है, एक इधर से कोई आ सकता है, इधर से कोई जा सकता है, इधर से कोई आ सकता है। फोर लेन इन जनरली आपको पता है, संबलपुर से लेकर इधर नागपुर तक फोर लेन बनी हुई है, रायपुर से बिलासपुर तक बनी हुई है ना। तो हम देखते हैं कि दो लोग इधर एक साथ जा सकते हैं, दो लोग इधर एक बार आ सकते हैं। तो जैसे रोड की चौड़ाई बढ़ने पर गाड़ियां आसानी से अपना मोमेंट कर सकते हैं, इट इज सिमिलर लाइक दैट कि बैंड की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतना इजी डेटा का ट्रांसमिशन होता है। अगर जिसकी बैंड विथ या ना चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई जैसे मान लो यहां कर दिया बैंड विथ कम है, लेकिन बैंड विथ कह दिया इतना, बैंड विथ ज्यादा है कि नहीं, बैंड की चौड़ाई, बैंड है ना पट्टी, एनर्जी का बैंड, एनर्जी की पट्टी है, क्योंकि सन जो है क्या है, वास्तव में मैं मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा, सूर्य किरणें क्या है, अपने साथ क्या है, ऊर्जा के बंडल्स को कैरी करके ले चलती है, जिसे फोटॉन कहा जाता है या क्वांटम कहा जाता है। पूरा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और एक नई जनरेशन इसी पर बेस्ड है। तो सूर्य किरणें वापस में ऊर्जा के बंडल्स के रूप में चलते हैं, जिसे क्वांटा कहा जाता है या क्वांटम कहा जाता है। तो उसी को मैं कह रहा हूं, अगर ये एनर्जी बैंड की चौड़ाई कम है तो 1G है। 1G के समय में सिर्फ फोन में बात करते थे, SMS भी टाइप नहीं होता था,
पुराने जमाना सो याद करो, 2G के जमाने में हम कॉल भी करते थे और SMS भी करते थे, मैसेज पैक वाला जमाना, 1 month वाला। उसके बाद हम बात किए कि 3G आए जिसमें बैंड भी बढ़ते जा रही है, 3G आए तो हम कॉल भी कर रहे हैं, SMS भी कर रहे हैं, पैरेलली हमने और क्या किया, पुअर क्वालिटी के वीडियो कॉल्स भी होते थे, छोटा वाला 3GP वीडियो याद करो, है ना, पुअर क्वालिटी के वीडियो, व्हाट्सएप कॉलिंग केवल हो पाती थी, वो वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती थी। फिर से भी जियो एयरटेल वगैरह आए, जो उन्होंने क्या 4G लेकर आया, 4G आने पर देखते हैं कि बेहतर क्वालिटी के ऑडियो वीडियो या HD कॉल्स होने लगे, 5G में क्या है वो और बेहतर होने लगे, इवन ज्यादा बेहतर अल्ट्रा HD क्वालिटी का होने लगा। और यहां पर अगर 6G आ जाएगा तो यहां पर बैंड भी तो और बढ़ जाएगी, तो डेटा ट्रांसमिशन आसानी हो जाएगा। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, कभी कभार आपको पूछ देगा ये, क्योंकि वहां पर भी पढ़ेंगे सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, दैट्स वाई इसके अंदर मैं एंटर किया हूं, कि वेव लाइट वेव से मिलके बना है, वेव जो है स्पेक्ट्रम से मिलके बना है, स्पेक्ट्रम क्या है, बैंडविड्थ को कहा जाता है, बैंड की चौड़ाई को कहा जाता है, जिसकी बैंडविड्थ जितना ज्यादा, बैंड की चौड़ाई जितना ज्यादा, वो उतने ही नए जनरेशन का आपका स्पेक्ट्रम है। हम 6G जब यूज करेंगे तो देखना और नए नए प्रकार के इनोवेशन होंगे। हमारे नेबर कंट्रीज श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब जो अभी भी सफर कर रहे हैं 2G 3G में, हम वहां पर 5G पहुंच गए, दुनिया 6G पहुंच चुकी है, हम 6G की ओर एंटर नहीं किए। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, आपका जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 3 बैंड पे काम करता है, शॉर्ट वेव पर भी काम करता है, मीडियम वेव पर भी काम करता है और ब्रॉडबैंड पर भी काम करता है, तीनों मीडियम पर काम करता है, निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति के तरंगों का प्रयोग करता है। व्हाट डज इट मीन, लो मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी, थोड़ा समझे, अंतिम पॉइंट समझे, फिर सीधा हम ऑप्टिक्स में चलेंगे। देखो इधर देखो, वेव जब चलती है ऐसे चलती है, जिसमें कि ये एक है रिज या श्रृंग, ये होता है फरो यानी गर्त, दो श्रृंग के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, दो गर्त के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं, दो श्रृंग के बीच की, रिज के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहेंगे और दो फरो के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहेंगे। अगर किसी का वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो क्या होगा, दूरी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कह दूंगा फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो इधर, 1 सेकेंड में कितने बार ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अगर एफ मैक्सिमम है तो इसके डेटा कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब HD क्वालिटी में होता क्या है, 5G टेक्नोलॉजी में होता क्या है, आपको हाई क्वालिटी के वीडियो ऑडियो कॉल्स करने हैं, तो हाई क्वालिटी होगा वीडियो तो डेटा का साइज ज्यादा होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, HD वाला मूवी देखते हो तो ज्यादा स्पेस खाता है कि नहीं लैपटॉप का या अपने कंप्यूटर का, फोन का, वैसे ही HD क्वालिटी का पिक्चर होगा तो भी ज्यादा डेटा कंज्यूम करेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो उसकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा, बट डिस्टेंस देखो केवल इतना कवर हो रहा है, तो दूरी कम होता है। लेकिन अगर लैम्डा ज्यादा है तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी कम, लेकिन डिस्टेंस देखो कितना लंबा ट्रेवल कर रहा है। तो बस इतना जानो, बाकी ICT में पढ़ेंगे। लैम्डा मैक्सिमम, डिस्टेंस ज्यादा बट डेटा साइज कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो हैवी डेटा कैरिंग कैपेसिटी बट डिस्टेंस कम। तो मैं ऐसा करूं, मुझे 5G यूज करना है तो मुझे ज्यादा दूर से दूर कम्युनिकेशन भी पहुंचाना है और HD क्वालिटी का डेटा भी पहुंचाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो सुपर इंपोजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, सुपर इंपोजिंग ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण करना पड़ेगा, जिसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है, जिसको हम ICT में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये है आपके रेडियो वेव की कहानी, जिससे टीवी, मोबाइल, रेडियो, फोन सभी टाइप के कम्युनिकेशन हो पाते हैं। द गुड थिंग इज कि वेदर अच्छा हो खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने आप में एक यूनिक चीज है, इसके रोकने वाला कोई नहीं है। और इसी पर रडार आधारित है, रडार, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार, जिसमें रेडियो वेव यूज होता है, जिसमें बाहर से आने वाली कोई किरण किसी भी चीज को हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रेडियो वेव। तो हम थोड़ा ज्यादा अंदर चले गए, हम बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन को ये देखें कि लाइट क्या है। लाइट की वेलोसिटी आपको पता है कितना है, लाइट की वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मिनट में 3 के बाद 8 जीरो लगा दो, इतना ट्रेवल करता है एक सेकेंड में, है ना। और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आपने जाना। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सीधा हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे बात करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसको हमको अच्छी तरह से समझनी है। तो इसके लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक ऐसा सरफेस लीजिए जो क्या होगा, शाइनी सरफेस होगा, चमकदार सतह होगी। चमकदार सतह कोई भी हो सकती है। चलो एक काम करते हैं, एक तरफ को हमने क्या कर दिया, मरकरी या लेड से क्या कर दिया, इसका कोटिंग कर दिया। तो अपोजिट सरफेस, किसी कांच के एक सिरे पर हम मरकरी या लेड का लेपन कर देंगे तो अपोजिट सरफेस वर्क लाइक अ मिरर। दूसरा सरफेस जो है दर्पण की भांति काम करता है। अब एक रे यहां पर हम इंसिडेंट करते हैं, एक रे इसे हम इंसिडेंट करते हैं, इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे या आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जिससे हमने क्या कहा, आई कह दिया। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर यहां पर इंसिडेंट होती है वो सेम मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है तो हम कहते हैं इसे रिफ्लेक्टरी रे आर, यानी कि कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टरी रे आर कह दिया हमने। और यहां पर यह बात भी हमको समझनी होगी, थोड़ा समझे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहा, उससे ऊपर जो है अगर हम यहां पर, हम यहां पर एक एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल लाइन, एन, एन या अभिलंब इसे कहते हैं। तो अब यहां रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है, जिसमें एक इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण आई है, एक रिफ्लेक्टरी रे यानी परावर्तित किरण आर है, और इन सब के बीच में एक नॉर्मल लाइन एन है। अगर हम कहें परावर्तन क्या है, तो प्रकाश की किरणें किसी परावर्ती सतह पर जब टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में किंतु दूसरी दिशा में चली जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट वन इंसिडेंट रे इज फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, आफ्टर फॉलिंग इट मूव्स सेम, इट मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम मीडियम, दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमने कहा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, पक्का, इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल आई कह सकते हैं। यहां पर एक बात देखो, ये सब लिखा हुआ है, अलग अलग पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही पॉइंट को यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली जो कोण है उसे हम कहते हैं एंगल आई,
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार परावर्तित किरण और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे कहा जाता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब दो मिनट में दो लॉ को समझ जाओ, थोड़ा देखो। प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे मीडियम में जाता तो रिफ्रैक्शन हो जाता, वो अपवर्तन हो जाता। वो सेम मीडियम में गया कि नहीं, अभी लाइन क्रॉस नहीं किया है, ये इधर आया उधर चला गया, तो ये एयर रहा होगा तो एयर ही हो जाएगा, पानी है तो पानी ही रह जाएगा, वॉट एवर। तो अब यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम को थोड़ा समझें, बहुत ही सरल है। देखो आपतित किरण, आप लोग चित्र में देखते चलो, आपतित किरण यानी आई, इंसिडेंट रे आई, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण यानी कि आर, रिफ्लेक्टेड रे आर, और अभिलंब, ऑल थ्री आर सिचुएटेड इन सेम पॉइंट। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं, ये अपवर्तन का पहला नियम कहलाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे प्रथम नियम कहा जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ऑल थ्री आर सिचुएटेड इन सेम पॉइंट, दैट वी कॉल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे आपतन बिंदु भी कहते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, खत्म। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट, खत्म। प्रकाश क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, मान लो चार नंबर में आया तो आपको इसी सबको ड्रॉ करना है, फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं पर कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। बट एरो सही करना, एंगल सही लिखना, नॉमेनक्लेचर सही करना आपको पता है, लेकिन आपको फिर भी वहां लिखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। बातें समझ में आई, कितने को समझ नहीं आया? आपतन कोण का मान अपवर्तन परावर्तन कोण के मान के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है भाई, इंग्लिश वाले ये, हिंदी वाले उधर, क्लियर है? तो दो पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, इमेज बनाना चालू करें। इमेज बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा मिरर, इमेज बनाने के लिए मिरर जरूरत पड़ेगा। मिरर तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर या पैराबोलिक मिरर। तो अगर हम यहां पर ध्यान से समझें, अगर हम यहां पर ध्यान से समझें, एक कांच ले लो, उसके अपोजिट सरफेस को हमने क्या कर दिया, मरकरी या लेड से हमने कोटिंग कर लिया। तो अपोजिट सरफेस इज वर्क लाइक अ मिरर, जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, इसे हम कहते हैं समतल दर्पण, इसे कहा जाता है समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद देखो इधर, आप लोग एक मान लो स्फीयर ले लो, एक गोला ले लो, इसके ठीक बीच में काट लो, आप इसको काट लो तो हमारे पास दो रिजल्ट मिलता है, इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा। इधर हिस्से को हमने कह दिया ऐसा लिख दिए, इधर वाले हिस्से को हमने यहां पर नीचे लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब सन रे कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपोजिट सरफेस पे क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, लेपन करेंगे, किसका, मरकरी और लेड का। तो हमने क्या कर दिया यहां पर, लाइक कोटिंग इस प्रकार कर दिया। तो ये सरफेस एलिवेटेड दिख रहा है कि नहीं, उभरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है कि नहीं, तो उभरा हुआ तो उत्तल यानी कनवेक्स, ठीक है। तो हमने इसे कह दिया कनवेक्स या उत्तल दर्पण, हमने उसे कह दिया कनवेक्स मिरर कह दिया। ये वाला डिप्रेस सरफेस दिख रहा है ना, धसा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे इसके अपोजिट सरफेस में हमने क्या है, इस प्रकार मरकरी या लेड का कोटिंग कर दिया है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यह अवतल हो जाएगा, इसे हम कहते हैं अवतल या कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कह दिया, ठीक है। बातें समझ में आ रही। अब यहां पर अगर
हम इसके स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं कि इसे अगर गोल घुमाया जाएगा तो ऐसा लगता है कि किसी स्फीयर का पार्ट है, इसे गोल घुमाया जाए तो ऐसा लगता है कि किसी गोले का भाग है, इसलिए हम उसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर नाम दे रहे हैं, है ना। बात समझ में आई। अगर हम यहां पर किरणों को, यहां पर अभी हम इंसिडेंट जो है इंसिडेंट करवाएंगे, उन्हें आपतन करवाएंगे, लेकिन कुछ बातों को हमको यहां पर ध्यान रखना होगा, वो है इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब रचना। प्रतिबिंब रचना के चार नियम हैं, चारों नियम को ध्यान से समझना, किसी भी दो लॉ के दो नियम के आधार पर आप कहीं पर भी आसानी से उसका डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टू लॉ लगेगा और मिनिमम टू रेस लगेगा, जहां पर रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहीं पर क्या होगा, इमेज बनेगा, है ना। मैं उसको समझाता हूं आप लोगों को, पहले सब नॉमेनक्लेचर कर ले, फिर उस मिरर को डिकोड करेंगे कि किसमें वर्चुअल बनता है, किसमें रियल बनता है। बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको एक बार याद कर लो, हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, फिर मैं उस पर आता हूं। तो लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे कुछ शब्दों को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान से समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10 मिनट लगेगा आपको इसको समझने के लिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कौन सा मिरर ले बताओ, कनकेव कन्वेक्स? कनकेव ले लिए, चलो मिरर ले लो ये, ठीक है। तो कनकेव ले लिए यानी अवतल ले लिए, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। अब ये जब ये वर्डिंग्स को देखोगे ना, तब आपको ये टॉपिक बहुत सरल लगेगा, नहीं तो वो हेडेक लगेगा, अभी रिलेशन भी निकालना है, है ना। तो आप यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखो। देखो मान लो इसको मैं कह देता M और इसको मैंने कह देता N, एक आर्क मान लो, एक कर्व मान लो, जिसका हमने नाम नॉमेनक्लेचर कर दिया MN। MN का ठीक बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक बीच का पॉइंट क्या कहलाया, मैंने कहा पोल या ध्रुव कहलाया। अगर मैं इसे गोल घुमाऊं तो देखो इधर ऐसा ऐसा गोल घुमाता हूं मान लो, तो ऐसा लगता है कि ये कोई कर्व है, एक स्फीयर है, एक गोला है, तो क्यों ना इस गोले का कोई केंद्र बिंदु को हम ढूंढें। तो इस गोले का केंद्र बिंदु मान लो फॉर एग्जांपल ये है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, सेंटर है, किसी वृत्त का केंद्र है कह सकते हो, सर्कल का सेंटर है कह सकते हो। अब यहां पर देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम मिला देते हैं, मिलाओ, चलो मिला दिए, तो ऐसा लगता है ये कोई सर्कल का रेडियस है, किसी वृत्त की त्रिज्या है लग रहा है हमको, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। सेंटर के लिए हमने सी लिखा था, है ना, पोल के लिए हम पी लिखते हैं, सेंटर के लिए हम सी लिखते हैं, तो क्या मैं पी और सी को मिला दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा कि नहीं, त्रिज्या मिल जाएगी कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, पी सी को कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सबको क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब यहां पर थोड़ा सा आगे समझते हैं। इमेजिन करो एक रे यहां इस प्रकार आती है, तो मैं क्या कहूंगा, इसे इंसिडेंट रे कहूंगा कि नहीं। अब जिस सरफेस से ये टकराएगी, जहां पर ये गिरेगी, उसका उसके बाद क्या है, सेम मीडियम में प्लस बट अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार चली जाएगी। उसी प्रकार कोई दूसरा किरण भी ऐसा मान लो जाता है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा,
तो उसके बाद क्या है, ये भी क्या है उसी मीडियम में बट अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार चली जाएगी कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को ही तो कहा जाता है फोकस पॉइंट। तो एफ क्या कहलाता है, कैपिटल एफ है, याद रखना ये है फोकस, फोकस बिंदु, ये क्या कहलाता है फोकस बिंदु कहलाता है। प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उसी जगह पर क्या है प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा सीधा सेम कुछ भी हो सकता है। अभी निमोनिक्स बताऊंगा कैसे छोटा बड़ा होता है, एक बार में बिल्कुल दो सेकंड में पहचान लोगी कहां पर इमेज बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, थोड़ा इन चारों पॉइंट पर ध्यान से अब फोकस करो। हम मैं क्विक रिविजन करवा रहा हूं जिसमें कि मैंने कहा एक आर्क एम एन ले लिए, ठीक, इसका सेंटर बीच का पॉइंट हमने कह दिया पोल या ध्रुव, और ध्रुव के बाद हमने देखा कि अगर इस आर्क को गोल घुमाया जाए तो ऐसा लगता है कि किसी स्फीयर या गोले का भाग है, इसके ठीक मध्य बिंदु को हमने कह दिया सेंटर, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा, इट्स लुक्स लाइक अ रेडियस, ऐसा लगता है कि ये वृत्त का त्रिज्या है, तो इसलिए हमने इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर हम फोकस पॉइंट कहे। ठीक है, अब फोकस पॉइंट से पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं, फोकल लेंथ। तो लिखो यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये पॉइंट, क्लियर हुआ। अब चार नियम को मैं बिल्कुल, चार मिनट भी नहीं लगेगा समझ जाओगे, प्रतिबिंब रचना के जो चार नियम है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से बना सकोगे। इसमें किसी को दिक्कत, ओके चलो अब लिखेंगे प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम। तो चार रूल है, चारों को ध्यान से समझना है। पहले मैं रिवीजन करवा देता हूं, पहले मैं बता देता हूं एक ही डायग्राम में, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सभी को बाइलिंगुअल तरीके से नोट कर लेंगे। देखो चार नियम में कोई भी दो नियम की सहायता से आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यहां पर समझना होगा। देखो एक कर्व ले लो, पहला कर्व ले लो, दूसरा कर्व ले लो, तीसरा कर्व ले लो, चौथा कर्व ले लो, चार नियम है तो चार कर्व ले लिए हमने, सबको हम कह दे कनकेव मिरर। आप कन्वेक्स मिरर से भी ले सकते हैं, कनकेव मिरर बनाना ज्यादा आसान है। कन्वेक्स मिरर में क्या होती है, थोड़ा सा प्रतीत होता है वाला सिस्टम होता है, आई मीन उसमें कुछ चीजों को इमेजिन करना पड़ता है। चलो सबका सेंटर पॉइंट बनाएंगे, सबका सेंटर पॉइंट बनाएंगे, ये पी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, पी सी। उसी प्रकार यहां पर भी क्या है, सी और पी हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पी और यहां पर क्या हो जाएगा, मान लो सी हो गया, यहां पर भी सेम पी और यहां पर एक सी हो गया। इमेज फॉर्मेशन के जो चार रूल हैं, इन चार रूल को हमको अच्छी तरह से समझना है, जिसमें पहला रूल ये कहता है, देखो इधर पी सी को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट हम इमेजिन करते हैं उसे क्यू, क्यू के आगे भी जाएंगे तो वो पॉइंट होगा इनफाइनाइट यानी अनंत। तो पी सी क्यू, पी और सी का जो है, पी सी तो रेडियस है, उसके आगे अगर हम कोई पॉइंट को इमेजिन करते हैं तो ऐसा इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे, अगर देखो कोई रे क्या जा रही, ऊपर है तो प्लस आएगा, नीचे है तो माइनस आएगा। अगर रे सीधा जा रही होगी तो प्लस होगा, ऐसा आ रही होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे इमेजिन करते हैं, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है
तो टकराने के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। क्या कहा? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके पास होती हैं। समझो, बस लिखना आगे। पहला समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगी। अगर पहला समझ गए तो तीसरा भी समझ गए, जस्ट अपोजिट करो। ये मान लो फोकस है, तो अगर कोई रे फोकस से होके जाएंगी जाती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। जस्ट अपोजिट, पूरा पलट दो 180 डिग्री। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से गया, और हमने कहा फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। समानांतर समझते हो ना? पैरेलल का मतलब जब दो किरणें एक दूसरे को अनंत में भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उसे हम कहते हैं पैरेलल या समानांतर। इसमें थोड़ा तिरछा हो गया, इसको हम सही बना लेते हैं, लेकिन इसका मामला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पैरेलल, समझ में आया? पहला नियम पैरेलल तो फोकस, तीसरा नियम फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा नियम और सरल है उससे। अगर कोई रे कहां से जाती है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो यहां से गई, पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथवे बट अपोजिट डायरेक्शन में लौट आती है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में किंतु विपरीत दिशा में लौट आती है। एक रे मैंने इस प्रकार किया, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम पाथवे में लौट आया। ठीक है? व्हेन एनी रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिवर्ट्स इन सेम मीडियम बट अपोजिट डायरेक्शन, उसी माध्यम में विपरीत दिशा में लौट आती है। ये दूसरा नियम कहलाता है। 1, 2, 3 सबको क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा नियम मैंने कहा कि सी से जाएगी तो सी से ही लौट आएगी, खत्म। चौथा नियम क्या होगा अगर कोई रे डायरेक्टली पोल्स पर गिरे? क्या होगा अगर कोई किरण सीधा पोल पर आपतित होता है? तो इस केस में हम कहेंगे, ये ऊपर वाला प्लेन है तो पॉज प्लस लेंगे कि नहीं, तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट प्लेन में चली जाती है, तो नेगेटिव लिख देंगे। अगर किरण सीधा ध्रुव पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वह विपरीत तल में चला जाता है ना, इट मूव्स इन अपोजिट प्लेन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये चार नियम है भाई, चार में से कोई भी दो नियम उठाओ और उससे इमेज बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। अब कहीं समस्या तो पूछ लो, है ना, चारों को क्विक रिवीजन देख लो आप लोग। दोनों मिरर के कॉन्टेक्स्ट में देखना आप, एक तो कनकेव देखिए, कन्वेक्स देख लो, ये वही लिखा है, लंबा चौड़ा आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। साइंस की यही ब्यूटी है, समझ गए तो अपने शब्दों में पिरो के लिखोगे, आपको मार्क्स उतना ही मिलने वाला है, रटे रटाए आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है, दोनों ही इमेजेस के फॉर्मेट में ही, आपकी गवर्नमेंट किताब का ही है। कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर दूं कि जो राज्य पाठ्य पुस्तक निगम है, SCERT जो किताब है ना, उसी से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 95% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा वो क्लास 10th की किताब है, और आप क्लास 10th का आंसर लिखेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे फुल मार्क्स का, तो ये आपकी गलती है। तो आप थोड़ा सा बेहतर शब्द वर्डिंग्स का चयन करें, थोड़ा बेहतर तरीके से लिखें। क्लास 10th का आप डेफिनेशन लिखेंगे और आपके पेपर तो प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेहतर मार्क्स पाने के लिए थोड़ा बेहतर तरीके से आंसर लिखना होगा, वही सब चीजों को जो समझे हैं, कोई रटी रटाई चीजें नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो नोट शेयर हो रहा है वो चीजें बिल्कुल उसी का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखो इसमें जो कहा गया उसी पॉइंट को मैं रिवाइज कर देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो यहां पर देख रहे हैं फोकस से होते हुए जा रहा है, ठीक है। इस केस में देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसके बाद क्या है, यहां पर उसको पीछे की ओर करने पर ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आ रहा है,
ये बातें समझते हैं आप लोग? देखो इधर, अगर रे ऐसा, अगर कर्व ऐसा है और कर्व ऐसा है, दोनों कंडीशन में देखो, अगर यहां पर रे इंसिडेंट होती है तो ऐसा नीचे की ओर धंसा हुआ है ना, डिप्रेस्ड है कि नहीं, तो रे किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर इंसिडेंट होती है तो ये देख रहे हैं कि ये उस तरफ क्या एलिवेटेड है, उस तरफ उभरा हुआ है, तो एंगल तो इधर बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर प्लेन होता तो जैसे जाता वैसे लौट आ जाता है ना, लेकिन यहां तो कर्व है एक प्रकार का, उस तरफ उभरा हुआ है या इस तरफ धंसा हुआ है, डिप्रेस्ड है और दी एलिवेटेड है। उसके इस कंडीशन में हम देखेंगे ये इस किरण को हम पीछे की ओर इस प्रकार क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये क्या है, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होता हुआ, फोकस से सॉरी कहते हैं कि फोकस पॉइंट है ना, फोकस से होते हुए आ रहा है ऐसा हमको फील होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। बट कनकेव का रूल अप्लाई करना, कन्वेक्स में भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। पहला नियम के बाद मैंने तीसरा नियम बताया था, देखो अगर फोकस से होके जाएगा तो वो किसमें से जाएगा, फोकस से होते हुए जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कि नहीं। अगर यहां पर कन्वेक्स मिरर में भी यहां पर देख देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पर, सॉरी कोई किरण अगर देखते हैं कि सीधा फोकस पर इंसिडेंट हो रहा होगा तो ऐसा लगता है कि वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ये वाली है ना, क्लियर हो रहा है सभी को, कोई कंफ्यूजन पूछो भाई, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको, है ना। नेक्स्ट, सेकेंड वन, फोकस से गया सी से गया तो सी से वापस लौट आया, देखो सी से गया तो सी से वापस लौट आया। इस केस में भी देखते हैं कि अगर वो सी पर क्या है, डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा होगा तो सी से ही क्या लौट आएगा, एक बार ये आ रही है तो दूसरी बार जा रही है, सेम इधर भी आ रही है जा रही है। और फोर्थ वन का यहां पर इमेज डायग्राम नहीं बना होगा तो वो अपोजिट प्लेन वाला मामला है। क्लियर हो गया, ठीक है सभी को, वर्डिंग्स क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अब यहां पर एक पॉइंट लिख लो और नोट कर लो, फिर मैं आता हूं। थोड़ा सा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो कुछ चीज आपको जानने समझने को मिलेगा। आपको आठ नंबर में एक प्रश्न पूछता है, देखो पी सी है कि नहीं, पी सी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पी एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ये कहता है कि जो वक्रता त्रिज्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ मतलब पी एफ, क्या इसके जगह मैं स्मॉल एफ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं है ना, पी एफ है तो। और उसके बाद सी एफ ये कहता है कि जितना ये मान लो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ऐसा मान लेते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे लग रहा है लेकिन एक्चुअल में होता वही है कि पी सी जो होता है फोकस दूरी का डबल होता है, फोकस दूरी का डबल होता है। इस केस में हम कहते हैं पी एफ इक्वल टू सी एफ, तो यहां पर भी हम कह देते हैं एफ, तो हम कह देते हैं 2f है ना, और ये होता है pc है ना। यहां पर कह रहे हैं फोकस दूरी का डबल इक्वल टू pc, ऐसा हम कह देते हैं, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल f इक्वल टू pc by 2 कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करना है 8 मार्क्स में, इसको 8 मार्क्स में प्रूफ करना है हमको थोड़ी देर बाद, है ना। मतलब क्या कहेंगे, फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या का आधा होता है. फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एफ इक्वल टू पीसी अपॉन टू. इसको हमको प्रूफ करना है. यही लिखा हुआ है आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना. इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, चिंता मत करो. डिफिकल्ट लग रहा होगा तो चीजें आसान हो जाएगी. इमेज फॉर्मेशन के चार रूल क्लियर हो गया, वर्डिंग्स क्लियर हो गया. अब आते हैं सीधा हम कि किस प्रकार का इमेज में क्या क्या बनेगा. तो मैं आप लोगों को पहले इमेज बता देता हूं. टाइप ऑफ इमेजेस, टाइप ऑफ इमेजेस. प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है. रोज सुबह सुबह आप उठ के क्या करते हैं, मिरर को देखते हैं. हाँ, कॉन्वेक्स का बताए तो कौन सा वाला पॉइंट. ये तो पैरेलली बाजू में कॉन्वेक्स है. ये कौन सा वाला, पूरा तीनों चारों. ये दाई पूरा बताए भी लगी. ठीक, चलो ठीक है भाई, देख लो. पहला है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से जाता है, फोकस से जाता है. इसमें रियल में जाता है, इसमें प्रतीत होता है, क्योंकि यहां पर वर्चुअल वाला मामला है, आभासी होता है ना. कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो फोकस से होते हुए आते हुए प्रतीत हो रहा है. क्लियर हो गया. जो पहला जाने तो सीधा तीसरे पे चले जाओ. अगर कोई रे सीधा क्या होती है, अगर फोकस से होते हुए आ रही है या फोकस पर जा रही है तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी. पहला का जस्ट अपोजिट तीसरा, फोकस से गया तो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया. तो चूंकि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका फोकल पॉइंट फोकस जो है अंदर की ओर बनता है, क्योंकि आभासी है, वर्चुअल है ना. तो कोई रे अगर हम देखते हैं, अगर फोकस की ओर जा रही है तो टकराने के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. और उसके पहले दूसरा रूल भी याद रखें कि अगर कोई रे कहां जा रही है, सीधा सी पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो उसी पाथवे बट अपोजिट डायरेक्शन में लौट आती है, उसी मार्ग किंतु विपरीत दिशा में लौट आती है. और आखिरी वाला पॉइंट हमने कहा कि अगर कोई रे, जैसे ये देखते हैं क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई रे डायरेक्टली पोल पर अगर मान लो इस पर इंसिडेंट होती है तो वो अपोजिट प्लेन में चली जाती है, विपरीत दिशा में चली जाती है. ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने इस तरह यहां पर बताया था, यहां पर इंसिडेंट होती है तो यहां अपोजिट प्लेन में चली जाती है. क्लियर हुआ है ना. नेक्स्ट, इमेज. दो प्रकार का इमेज होता है. एक है वास्तविक प्रतिबिंब. ये प्रश्न दो नंबर का आता भी है ना. वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है. आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वर्चुअल और यहां पर रियल इमेज. देखो, जब आप मिरर में अपना फेस सुबह सुबह उठ के देखते हो तो इधर का कान तो इधर दिख रहा होगा, इधर का कान इधर दिख रहा होगा, तो क्या वो उल्टा इमेज है. वह उल्टा इमेज है क्या, इनवर्स इमेज है कि इरेक्ट है, सीधा है या उल्टा है. कैसे सीधा होगा, इधर का कान तो इधर दिख रहा है, इधर कान इधर दिख रहा है, कैसे सीधा होगा. क्या है, वह पार्श्व प्रतिलोम है, लैटरल इन्वर्जन है वो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड दिखेगा. उल्टा तब कहते जब सिर नीचे पैर ऊपर होता. ठीक है, क्लियर हुआ. तो लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व प्रतिलोम हमेशा मिरर में आपको देखने को मिलता है. प्लेन मिरर में तो यही दिखता है,
लेकिन डोंट फॉरगेट, आप गाड़ी चला के घर यहाँ कोको ऑफिस आए होंगे क्लास करने के लिए, बाजू में कोई बड़ी सी कार या बस या ट्रक आ रही होगी, इतने बड़े इमेज आपकी, इतने साइड मिरर में, छोटे से मिरर में उतना विशाल का है आपका जो है बस ट्रक या कार जो है दिख जाता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स कनकेव? पक्का कन्वेक्स होता है, अभी बताऊंगा ना इसको। प्रैक्टिकली आप जो गाड़ी चलाते हो दोनों मिरर यूज हो रहा है उसमें। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट कैसे होती है? यहां बल्ब लगा हुआ है, ये गाड़ी का हेड है ना, तो हम देखते हैं इधर क्या रोशनी जाती है। तो ये जो है आपका, ये है आपका कनकेव मिरर। ये तो ग्लास है ना भाई, ये तो कांच है, मिरर थोड़े है। बाहर जो लगा होता है वो तो कांच है। तो ये आपको ये बात क्लियर करनी होगी कि एक में आप देख रहे हैं कि एक जगह सीधा फोकस्ड है, किसमें? कनकेव मिरर में फोकस्ड होता है। लेकिन आप स्ट्रीट लाइट में देखेंगे, स्ट्रीट लाइट में क्या होगा, इस प्रकार खंभा है यहां पर, मान लो कोई लाइट लगी हुई है, तो यहां पर क्या है, किरणों को जो है ये प्रसारित करने का काम करेगा, डाइवर्स करने का काम करेगा, तो वो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स। तो आप अब इस जगह पर समझो, इमेजेस जो होते हैं वो मिरर में बनेगा। लेंस तो आपके सिलेबस में है नहीं, मेंस में लेंस है ही नहीं, मतलब शुक्र करो, नहीं तो फिर परेशान हो जाते, उसमें डबल फोकल लेंथ, बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रीलिम्स में आता है काम वहां का। तो मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में हमेशा क्या, कौन सा इमेज बनता है? हमेशा हमेशा याद रखना, आर का जोड़ीदार क्या होता है? आई होता है। आर मतलब क्या है? रियल। और आई मतलब इनवर्स, यानी कि कहेंगे जो इमेज वास्तविक बनेगा वही क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो इमेज, कंफ्यूज हो रहे हो, आगे लिखो फिर क्लियर हो जाएगा, जो इमेज क्या होगा, वर्चुअल बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। अब मिरर देखो, फिर से याद करो, मिरर देखते हैं तो आपका रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? अब तो आंसर कर दो, वर्चुअल है ना, क्योंकि अभी तो आपको बताया आपका सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर तो दिख नहीं रहा है, मतलब उल्टा तो है ही नहीं, सीधा है। तो सीधा का जोड़ीदार कौन है? सीधा का जोड़ीदार आभासी, यानी आपको ये कॉम्बिनेशन, आर को आई से कभी पृथक मत करना, या फिर चाहो तो वी को ई से कभी भी सेपरेट मत करना, है ना, वी याद रखना या आर आई याद रखना। रियल ऑलवेज इनवर्स होगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा। तो आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है ना। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्स। किसी को कोई कंफ्यूजन? दूसरा, अगर ये रियल है तो क्या इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? यस, है ना, इट कैन बी ऑप्टेन इन, है ना, आप कहीं भी किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त कर रहे हो, मूवी जाते हो वहां पर स्क्रीन पर प्राप्त कर रहे हो, है ना, इट कैन ऑप्टेन इन इन स्क्रीन, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो वर्चुअल है, क्योंकि वो आभासी है। पर्दे पर प्राप्त करना मतलब इमेज को फिर से किसी जगह पर, आप जैसे आप मिरर में देखते हो ना खुद को, तो देख रहे हैं ना उसको, वो आपका दिख रहा है, वो आभासी है,
वो आपका वर्चुअल इमेज है, जिसका आपका लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व प्रतिलोम के तहत आपका इमेज दिख रहा है, लेकिन उसे आप पर्दे पर प्राप्त ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, रियल इमेज से रिलेटेड एक चीज है और समझो, रियल इमेज में और देखो उल्टा सीधा का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर होगा तो बता देता हूं। देखो मान लो ये ए है तो ये बी होगा, इसका इमेज मुझे प्राप्त करना है तो यहां फिर से मुझे ए और बी मिला, ये रियल इमेज है, सॉरी ये जो है आपका, ये जो है ए और बी हो गया, ये क्या है रियल इमेज है, तो ये क्या है ना उल्टा मिला मुझे, ए बी ऐसा था तो पलट गया। इस केस में क्या हो जाएगा, मुझे ए और बी का मुझे क्या है रिजल्ट इमेज प्राप्त करनी है, तो हम कहते हैं कि ये हमेशा इरेक्ट बनता है तो ये ऐसा ही बनेगा, ए और बी बनेगा, ठीक है, ये हमेशा सीधा ही बनता है, जैसा था वैसा ही बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दर्पण में देखो, हमने देखा आभासी प्रतिबिंब में एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो ट्रिक मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग क्लियर करने वाला था, वो ट्रिक को यहां पर पहले मैं बता देता हूं, शुरुआत में बता देता हूं। एक ट्रिक है, उसको यहां पर लिख लो, अगर हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर को लेते हैं और मुझे कैलकुलेट करना है कि किसमें वर्चुअल बनेगा किसमें आपका रियल बनेगा, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, छोटा बड़ा कहां बनेगा उस पर भी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन इमेज जो है छह डिफरेंट पोजीशन पे बनती है, छह डिफरेंट पोजीशन पर बनती है, कौन सी छह डिफरेंट पोजीशन पर बनती है इसको लिखे यहां पर आप समझो। एक मैंने कह दिया क्या ले लिया, कनकेव मिरर ले लिया, इसका ठीक बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा, हो गया। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को वस्तु को मैं मान लो कहां हो सकता हूं, अनंत में रखूं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन PC के बाद मान लो Q कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपका 8 नंबर वाला फिर से क्वेश्चन आ रहा है, 2022 का प्रश्न है ये। छह डिफरेंट कंडीशन को देखो, फिर ट्रिक चीजें यहां पर अप्लाई होगी कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, ए और बी अनंत, अनंत यानी इनफाइनाइट, वो वास्तव में होता नहीं, वो एक आदर्श है, आइडियलिस्टिक एक कंसेप्ट है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां हम उसे अनंत कह रहे हैं, इनफाइनाइट कह रहे हैं, जिसे हम खोज लेंगे वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा, वो तो उसको हमने डिफाइन कर लिया कि वो कोई पॉइंट है। अनंत मतलब पृथ्वी से बाहर जाओ, 8 प्लेनेट को जाओ, उससे बाहर जाओ गैलेक्सी आ गया, उससे बाहर उससे बाहर उससे बाहर, हमारी इमेजिनेशन सोच भी नहीं पहुंच पा रही है वहां तक, उसे हम इनफाइनाइट कह रहे हैं, अनंत कह रहे हैं। तो वस्तु मान लो अनंत पर हो। दूसरा देखो, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, सॉरी अनंत और कहेंगे वक्रता केंद्र के बीच में हो, किसी भी पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो, ये इनफाइनाइट है और ये हमने कह दिया सी है, इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी हो, कौन रखी हो, ए और बी रखी हो। तीसरा कंडीशन, एग्जैक्टली सिचुएटेड इन सी, वो वस्तु कहां पर रखी होगा, ए और बी पर रखी हो, मतलब सी पर रखी हो। चौथा पॉइंट हमने कह दिया, देखो पीसी का आधा क्या हो जाएगा, एफ नहीं हो जाएगा, है ना। अब इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, सी और एफ के बीच में रखी हो। अगला कंडीशन, एग्जैक्टली एफ पर रखा हो और उसके बाद पी और एफ के बीच में रखा हो, 3 3 6 नजर आया कि नहीं। तो कनकेव मिरर में छह डिफरेंट परिस्थितियां बनती हैं, जहां पर हम इमेज किसी जगह पर ऑब्जेक्ट रखें
तो इमेज कहां बनेगा ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा छह कंडीशन को। डिफिकल्ट नहीं है बट अपने आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने आपको इन्वॉल्व करना। वहां पर आपको जो चार नियम बताया था ना, चारों नियम को अप्लाई करना है बारी बारी से। ट्रिक मैं बता दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो। हाँ, अब उधर का कुछ पॉइंट को हमको रिलेट करना होता है। जो छह कंडीशन है, छह कंडीशन को मैं वन बाय वन लिख रहा हूं। देखो, पहला कंडीशन कहां पर है? इनफाइनाइट पर है, इमेज में देखते चलो आप लोग। दूसरा पॉइंट कहां है? इनफाइनाइट और सी के बीच में है। तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली सी पर है। चौथा पॉइंट हमने कहा सी और एफ के बीच में है, सही लिखे। पांचवा पॉइंट हमने कह दिया एग्जैक्टली एफ पर लिखे। छठवां पॉइंट हमने कह दिया है ना, एफ और पी के बीच में हमने लिखा। तो छह परिस्थितियां जो बन रही हैं, ये किसके बारे में है? कनकेव मिरर के बारे में, यानी अवतल दर्पण के बारे में। तो याद रखना, केवल छठे कंडीशन में ही, यानी लास्ट कंडीशन में ही वर्चुअल इमेज बनती है, रेस्ट सभी में क्या होती है? रियल इमेज बनती है। पहला ट्रिक, कन्वेक्स में तो टेंशन ही नहीं है, दो ही कंडीशन बनती है उसमें, सिर्फ दो कंडीशन बनेगी। लेकिन ट्रिक की बात अभी खत्म नहीं हुई है, ट्रिक की बात अभी करता हूं। इसका मतलब क्या समझिए, रियल का जोड़ीदार कौन है? आई आर आई याद करना, इनवर्स, यानी रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा, यानी कि कहेंगे उल्टा बनेगा। तो अब यहां पर समझना होगा मुझे ये पांचों कंडीशन में कहां कहां पर क्या क्या इमेज बनेगा। एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं, थोड़ा देखो। वस्तु छोटा और बड़ा भी तो बन सकता है। आप की गाड़ी के साइड मिरर को हमने देखा, पीछे बड़ी ट्रक आ रही थी, इतना बड़ा ट्रक दिख रहा था उसमें। मतलब बड़ा को छोटा कर दे रहा है कौन? कन्वेक्स मिरर। तो लिखो यहां पर, क्या लिखोगे है ना, यहां पर लिखेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होता है? वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है ना। हमने कहा उत्तल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है, लेकिन ईएनटी डॉक्टर या डेंटिस्ट क्या करता है? दांत के अंदर जब क्या करता है, दो प्रकार की चीज यूज करता है वो, एक तो लेंस भी यूज करेगा, दूसरा मिरर भी यूज करेगा। तो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण छोटा साइज के दांत का आकार बड़ा दिखाई देता है, करता है। या हम कहां जाते हैं, सैलन में जाते हैं तो शेविंग करवाने जाते हैं तो छोटी साइज की दाढ़ी का आकार बड़ा दिखाई देता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में है ना, प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, क्या पॉइंट लिखे? दो पॉइंट लिखे है ना। अब थोड़ा सा आपको ये एहसास तो हो गया कि वास्तव में इमेज जो बन रहा है छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपके प्लेन मिरर का एक कंसेप्ट आता है जिसको मैं यहां पर बताऊंगा कि मान लो आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं, किस कंडीशन में आपका कंप्लीट इमेज प्राप्त होगा? तो h/2, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा दर्पण का ऊंचाई होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की हाइट 6 फिट है जैसे जॉन अब्राहम, तो उसका कंप्लीट इमेज क्या प्राप्त होगा?
क्या होगा, 3 फीट का मिरर होगा तभी प्राप्त होगा, ठीक है। अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो 2.5 मीटर की जो है या 2.5 फीट की जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए क्या है, ड्रेसिंग टेबल में वुडन स्ट्रक्चर के साथ हाइट को बढ़ाया जाता है ना, हाइट को बढ़ाया जाता है लकड़ी के सांचे के साथ, ताकि वो क्या है कंप्लीट इमेज प्राप्त किया जा सके, शूज से लेकर सर तक दिखे वो। क्लियर हो गया। तो वस्तु छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आप ट्रिक पर आओ, यहां पर 3 डिफरेंट कंडीशंस बन रही है। पहला मैंने यहां पर साइज की बात किया, दूसरा मैंने बात किया कि वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, और तीसरा मैंने बात किया कि वह हम देखते हैं कि सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। ये तीनों पॉइंट पर हमको डिस्कशन करना है। कहां पर बन रहा है वो चौथा पॉइंट है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ट्रिक सीधा और सरल है। अगर वस्तु सी पर हो, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। समझ गए, सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनेगा। अब सी के मैं राइट हैंड जाऊंगा, सी के लेफ्ट हैंड जाऊंगा, ठीक है। सी के लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं तो 2 कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से सी के बीच में 2 कंडीशन बन रही है, बन रही है। तो हमको यहां पर समझना होगा कि अगर सी के लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हमेशा वस्तु कैसे बनेगा, इमेज कैसे बनेगा, इमेज हमेशा छोटा बनेगा। सी के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमेशा इमेज कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, बिग। ये पॉइंट क्लियर हो गया, छोटा बड़ा वाला मामला क्लियर हो गया। लिख लोगे कहां पर वस्तु, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन तो वैसे ही क्लियर है, आउट ऑफ 6, 5 के कंडीशंस क्या होते हैं, दे ऑल आर रियल कंडीशन। अरे भाई 6 कंडीशन है कि नहीं, 6 में तो 5 में मैंने कह दिया कि रियल बनता है। अगर ये रियल बना तो इसका जोड़ीदार क्या हो गया, आई बन गया कि नहीं, क्लियर हो गया हमारे पास। अब एक कंडीशन मुझे फाइंड आउट करनी है कि कहां कहां पर, किस जगह पर क्या है आपका इमेज बनेगा। जिसके सर के ऊपर से गया है, मैं दोबारा ये बात कह दे रहा हूं कि हमारे पास कनकेव मिरर के 6 कंडीशंस बनते हैं। ये 6 कंडीशन को 2022 के पेपर में, उससे पहले 2020-19 अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं। ये 8 मार्क्स का पेपर बना था, छोटी सी जगह थी, है ना। इस 8 मार्क्स के पेपर को, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमको कैसे ड्रॉ करना होगा, तो 6 इमेज बनाना पड़ता आपको पता है, और एक टेबल बनाना पड़ता। आप कंफ्यूज हो जाओ कहां बनाए, इसीलिए मैंने आपको वो टेबल लर्न कराने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, बल्कि टेबल के उन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, एक टेबल बनाए जिसमें कहां कहां पर वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखें, रख लिए। दूसरा हमने रखा कि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, तो आपको क्लियर कर दिया, अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। सब लोग फिर से सुनो, अगर सी पर है जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना साइज इमेज का भी बनेगा, जहां पर वस्तु वहां पर प्रतिबिंब बना, खत्म मामला। सी के लेफ्ट में जाएंगे तो इमेज छोटा बनेगा, सी के राइट में जाएंगे इमेज बड़ा बनता जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप सी पर हैं तो जितनी बड़ी चीज उतना बड़ा इमेज, सी के लेफ्ट गए मतलब ऊपर वाला, तो हमने कह दिया ये क्या है स्मॉल, ये कह दिया स्मॉल, और सी के राइट में गए तो ये बना क्या है बिग, बन गया, है ना। अब अगला कंडीशन है, अब हमारे पास आखिरी 6ठे कंडीशन में होता क्या है, एकमात्र ऐसा कंडीशन कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसी परिस्थिति बनती है जब प्रतिबिंब, जब वस्तु का आकार, वस्तु का जो है उसका, इसकी पोजीशन बहुत करीब ले आते हैं। इसलिए आप सेलेन वाले मिरर को बोलना, नाई को या सेलेन वाले को, कि थोड़ा पास लाना भी है उसको,
तो देखना पास में आएगा, दाढ़ी का साइज काफी बड़ा बड़ा नजर आएगा, या इतना बड़ा नाक इतना बड़ा दिखेगा आपको। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि साइज बड़ा दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अपोजिट का है। यहां पर मामला ये क्या है, आपका आभासी है, ये क्या है, आपका वर्चुअल है। वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट नहीं हो जाएगा। आभासी इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, इसका इमेज बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा, तो ऐसा हम महसूस करेंगे, प्रतीत होगा। जैसे आप प्लेन मिरर में देखते हैं, आपकी फोटो दर्पण के पीछे ही तो बनती है कि सामने बनती है, पीछे ही तो बनती है ना। उसे भले हम छू नहीं सकते क्योंकि वो आभास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो एकमात्र ऐसी कंडीशन जिसमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, पोल और सी के बीच में होगा, पोल और एफ के बीच में होगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, इमेज यानी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बिहाइंड मिलेगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। उस कंडीशन में हम उसे महसूस कर सकते हैं और वो साइज काफी बड़ा प्राप्त होता है ना, वो साइज काफी बड़ा प्राप्त होता है। और इसी को इसलिए क्या है, डेंटिस्ट भी डॉक्टर क्या है, छोटा सा एक मिरर होता है इतना साइज का, है ना, बड़ी उसमें डंडी लगी होती है और रखते हैं, एक में लेंस में देखते रहते हैं जर्म्स और शेप ऑफ टीथ को, और दूसरा क्या है वहां पर साइज ऑफ टीथ को वहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के माध्यम से। चलो अब यहां पर हमारे पास आता है कौन सा पार्ट आता है, आपका आ जाता है, अब मिरर पर वापस आ जाओ, कि दो प्रकार के मिरर थे हमारे पास, बेसिकली गोली दर्पण के अंदर, स्पेलिकर मिरर के अंदर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग। लिख लो यहां पर, इसमें छोटे छोटे कुछ कॉम्बिनेशन पूछते हैं। देखो पहला हमारे पास कंडीशन है कि कनकेव मिरर क्या काम करता है, तो कनकेव मिरर इस प्रकार बना लेते हैं हम, और इस प्रकार एक रे इंसिडेंट करते हैं, एक रे इस प्रकार इंसिडेंट करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो क्या लगेगा, फोकस से होते हुए जाएगा कि नहीं, है ना, इधर जाएंगे तो ये भी क्या है, फोकस से होते हुए जाएगा कि नहीं, एफ ये हो सकता है कि नहीं, है ना। तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक जगह क्या करता है, फोकस्ड कराता है, ठीक है। जबकि अगला वाला खैर पढ़ेंगे, कन्वेक्स में वो डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, यहां पर ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा करेगा, फोकस करेगा, ठीक है। टॉर्च की लाइट में एक फोकस होता है कि नहीं, है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये टॉर्च के ये तो खैर कांच है, इसके अंदर क्या होगा, ऐसा करके कुछ बना होगा, यहां पर बल्ब लगा होगा, एक जगह फोकस्ड करता है। अब इसके यूसेज, अवतल दर्पण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग में पहला पॉइंट तो आपको लिखना होगा, है ना, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बिगर साइज इमेज, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा तो कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं इसे, है ना, कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं, एक जगह फोकस करता है। अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग किसके किसके द्वारा किया जाता है, तो नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है ना, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी और डेंटिस्ट डॉक्टर के द्वारा ये यूज होता है, ठीक है, ईएनटी या डेंटिस्ट डॉक्टर के द्वारा यूज होता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में क्या यूज होगा। गाड़ी की हेडलाइट है ना, सब तरफ स्कैटर्ड वे पे ऐसा फैला देगा तो सामने कुछ दिखेगा ही नहीं अच्छे से विजिबिलिटी, लेकिन एक जगह फोकस होता है ना, अपर डिपर में देखना, डिपर कर दोगे तो पास वाला, अपर कर दोगे तो दूर वाला थोड़ा दिखता है कि नहीं, तो उतना पर फोकस करता है। तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स लिख दो, गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च एटसेट्रा होगा। आपको ऐसे ही पूछता है, दो नंबर चार नंबर का ऐसे ही पूछता है। सर्च लाइट में सर्च लाइट लिख लो एटसेट्रा। चलो सैलन यानी सैलून, यानी सैलून के दर्पण में, ठीक है, इतनी बातें काफी है। टॉर्च के ब्रैकेट में सर्च लाइट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर, अब आता है इसका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में देखो, ऐसा आप अपने मिरर बना दिया, एक रे इस प्रकार इंसिडेंट किए तो ये तो इधर फैल जाएगा भाई, अगर यहां पर कुछ करते हैं तो ये भी तो इधर क्या है, फैल जाएगा भाई, तो ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, किरणों को अपसरित करने फैलाने का काम करता है ना, अपसारी अपसारी मिरर, दर्पण अभिसारी मिरर, दर्पण मतलब वही है, डाइवर्जिंग यानी फैलाना, कन्वर्जिंग यानी फोकस्ड कराना। तो अब इधर वाला इमेज पे जाओ, इधर तो हो गया, अब इधर वाले में जाओ। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, है ना, छोटा होता है, छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट यहां पर होता है इसका प्रयोग, पहला होता है स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, फैलाने का काम करता है, एक जगह फोकस करता तो खंबे के नीचे ही बस दिखता, बाकी जगह नहीं दिखता, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना डाइवर्स करता है वो। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ बाइक या व्हीकल, लिख लो व्हीकल लिख दो तो हो सभी चीजें आ जाएंगी, वाहनों के साइड दर्पण, बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखता है ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन अपीयर लिखा होता है ना। एक पॉइंट और लिखो, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल में सोचो, देखो आप जीआरबी को जब देखते हैं या वेबजोर को जब देखते हैं उसमें वेवलेंथ का अंतर तो होता है, जिसमें कि हम वेवलेंथ के आधार पर रेड सिग्नल को देखते हैं ज्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि उसका एक जगह ज्यादा जो है ज्यादा डिस्पर्सन नहीं होता, एक जगह फोकस्ड होता है। एक बात समझो, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, तीन कलर यूज होता है ट्रैफिक सिग्नल में, अगर वो डाइवर्ज नहीं होता तो सामने वाला, मान लो देखो ट्रैफिक सिग्नल है तो चार चौराहा होगा, ऑब्वियसली उसी जगह ट्रैफिक सिग्नल लगेगा, तो लेफ्ट राइट मतलब चारों दिशाओं में जो खड़े हैं सबको तभी दिखाई देगा जब चारों तरफ स्कैटर्ड हो क्या वो लाइट, तो उसके बाहर, उसके अंदर जो मिरर लगा होता है ना, वो मिरर लगा होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ताकि सब तरफ फैलाए, ताकि उधर वाले को भी पता चल जाए, हाँ रेड सिग्नल हो गया रुकना है, ग्रीन सिग्नल हो गया जाना है समथिंग। अगर एक जगह फोकस्ड होता तो सामने वाले को दिखाई देता, बाजू वाले को ब्लर दिखाई देता। तो लिखो यहां पर ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट,
ट्रैफिक सिग्नल लाइट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखनी है जिसको हमको देख के हम जान लेते हैं। अगर हम मिरर को छू के देखेंगे वो तो फिजिकल टच होगा, जिसमें कि वो एलिवेटेड उभरा हुआ लगेगा तो आप पता लगा लोगे कि वो क्या है, कन्वेक्स है। अगर वो डिप्रेस या गहरा गड्ढा टाइप का लगेगा तो उस कहेंगे वो कनकेव है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए।